पौड़ी के चौमा सुधार के गांव के जंगलों में आग लग गई है। ये आग आवासीय भवनों के पास भी पहुंच गई। ग्रामीणों ने आग की सूचना प्रशासन को दी तो उप जिलाधिकारी सतपुली संदीप कुमार भी मौके पर पहुंच गए और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जो सोलर प्लांट और ग्रामीणों के खेतों तक आग की लपटें पहुंच गई। उप जिलाधिकारी ने बताया कि उन्होंने ग्रामीणों से भी अपील की है कि कोई भी व्यक्ति जंगलों में आग लगते पाया जाता है तो उसकी सूचना प्रशासन को दे ताकि प्रशासन उक्त व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई कर सके। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। आज लगभग 1 बजे हमें हमारे संज्ञान में आया कि चौमा सुधार गांव तथा दिहाड़ी गांव में कहीं पर फॉरेस्ट फायर का इंसिडेंट हुआ है। तभी तुरंत हमने रेवेन्यू टीम को तथा जो हमारी FRO हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तथा जो हमारी टोटल IRS टीम है उसको एक्टिवेट किया गया। तुरंत ही मौके पर पहुंचे, अभी आग पर पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया गया है, जिसमें जो ग्रामीण हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है।